As many as 13 people have been injured after a fire broke out in the Garbhagriha of the Mahakal temple in Madhya Pradesh's Ujjain. The incident took place while the Bhasma Aarti was about to end amid holy celebrations in the city. The injured people have been taken to the district hospital and a magisterial probe has been ordered in the case. Union Minister Amit Shah and Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav have taken stock of the situation. Madhya Pradesh CM is in touch with the administration since morning and has prayed for the quick recovery of the injured people. मैं सुबह भस्मारती के समय वैसे होली की परंपरा है शुरू से है होली में रंग डलता भगवान को पंडित पुजारी खेलते हैं ये परंपरा थी लेकिन भगवान के भाग्य से बड़ी घटना होने से बची एक बड़ी एक तरह से लेकिन ये अलार्मिंग काल है मैं समझ सकता हूँ कि प्रशासन के द्वारा हम कोशिश करेंगे भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो जाए जो जो घायल हुए मैं उज्जैन में और इंदौर में दोनों जगह देख के जा रहा हूँ इसकी मेडिकल जांच के भी आदेश दे दिए हैं और जो घायल है उनको भी अच्छे से अच्छा इलाज सरकार कर Kulbhushan Yadav with me on the broadcast. Kulbhushan, if you can take our viewers through the details as far as now the situation of the people is concerned. अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे थे इंदौर में भी उन्होंने जो महाकाल मंदिर है महाकाल मंदिर परिसर के अंदर भस्म आरती के दौरान जो पूरा घटनाक्रम हुआ है और भस्म आरती के दौरान जो आग लगने की वजह से तकरीबन 8 ऐसे जो मुख्य पुजारी हैं वो झुलस गए थे जिन्हें तकरीबन 6 पुजारियों को इंदौर रेफर किया गया है उनसे मुलाकात मोहन यादव ने की है और 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है इसके साथ ही तमाम कैबिनेट के मंत्री मोहन यादव के साथ थे उन्होंने आज के सभी अपने कार्यक्रम निरस्त किए सबसे पहले वो बाबा महाकाल के मंदिर पहुंचे वहां पे उन्होंने जायजा भी लिया पुजारियों से भी मुलाकात हुई कैसा क्या पूरा घटनाक्रम हुआ ये मुख्य पुजारी से उन्होंने बातचीत की क्योंकि सुबह के वक्त महाकाल मंदिर परिसर के अंदर जो गर्भगृह है वहां पर भस्म आरती हो रही थी और भस्म आरती के दौरान क्योंकि आज होली का पर्व है और होली के पर्व में मध्यप्रदेश में एक बड़ी ये घटनाक्रम है हम ये कह सकते हैं कि बाबा महाकाल को गुलाल चढ़ाया जा रहा था गुलाल के साथ होली खेली जा रही थी और उसी दौरान जब भस्म आरती की जा रही थी तो आरती के दौरान ये पूरी आग जो है फैली है और उसकी वजह से तकरीबन 8 लोग 8 पुजारी जो मुख्य पुजारी है उज्जैन बाबा महाकाल मंदिर के वो गंभीर रूप से घायल है उसमें 6 ऐसे पुजारी है जिनका इलाज इंदौर में चल रहा है Same time, how exactly or what help has been extended now by the state government and other authorities? देखिए मुख्यमंत्री ने इसके जांच के आदेश भी दिए हैं जुडिशियल जांच जो है इस पूरे मामले की कराई जा रही है कि कैसा ये पूरा घटनाक्रम हुआ है क्योंकि अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि भस्म आरती के दौरान जो गुलाल उड़ाया जा रहा था और क्योंकि गुलाल में कई तरह के केमिकल होते हैं और इस केमिकल की वजह से आग फैली है ये कह सकते हैं और उसी की वजह से ये आग फैली हालांकि ऐसी मंदिर परिसर के अंदर आग नहीं लगी थी लेकिन हाँ जैसे ही आग फैली क्योंकि वहां पर भस्म आरती के दौरान पूरा अंधेरा रहता है बाबा महाकाल का जो श्रृंगार किया जाता है श्रृंगार के बाद उन्हें जो भभूति होती है उसका जो एक पूरा गुब्बारा हम कहते हैं कि वो उड़ता हुआ नजर आता है और उस गुब्बारे के साथ बाबा महाकाल को आज होली का रंग भी चढ़ाया जा रहा था गुलाल चढ़ाया जा रहा था और इसी गुलाल के साथ आरती के दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उस दौरान गर्भगृह में तकरीबन 8 जो पुजारी हैं वो मौजूद थे वो आरती कर रहे थे और जैसे ही ये आग भभकी तुरंत जो है पुजारियों को गर्भगृह से बाहर निकाला गया इसमें टोटल 14 लोग जो है
घायल हुए हैं। इसमें कुछ का इलाज तकरीबन 5 ऐसे लोग पुजारी के साथ जो मंदिर परिसर के अंदर हैं पंडित, उनका इलाज इंदौर में चल रहा है, और 6 से अधिक पुजारियों का इलाज इंदौर के प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्काल ही अपने सभी कार्यक्रम निरस्त करके पहले पुजारियों से मुलाकात की, घटनाक्रम का जायजा लिया, अधिकारियों से लगातार वो संवाद कर रहे हैं और अधिकारियों से ये चर्चा करते हुए नजर आ रहे कि घटनाक्रम क्यों हुआ, इसकी जांच कराइए, अगर किसी केमिकल या गुलाल की वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है तो फिर अगले वर्ष जो है थोड़ी सावधानी बरत के ही जो है गर्भगृह के अंदर गुलाल का उपयोग किया जाएगा, लेकिन हाँ इसकी अभी फिलहाल जुडिशियल जांच की जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर एक्शन भी ले सकते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.